काफी बड़ी मूर्ति। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल लाइफ ऑफ ड्रीम ट्रैवलर। सो आज है गणेश चतुर्थी, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यही गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पे आज अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं इंडिया की सबसे बड़े गणेश मूर्ति, जो कि एक हैदराबाद में। तो अभी मैं हैदराबाद में आके हूँ, तो अभी मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे, तो आपको दिखाता हूँ इंडिया की सबसे बड़ी गणेश जी की मूर्ति। तो मिलते हैं डायरेक्टली खैरताबाद से। सो गाइस, अभी अपन आ गए खैरताबाद साइड में, और यहाँ से मैं 100-200 मीटर के करीब में कुछ बाहर ये साइड में पार्किंग लगाई है, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग बहुत फुल है और बड़ी लाइन है। मेरे को लगा नहीं था पहले दिन इतनी सारी लाइन होगी, बट काफ़ी बड़ी लाइन है। तो जा रहे अपन वो साइड आ गया, वो अभी थोड़ा क्लोज, और आप ये क्राउड देख सकते हो। ये बस आज पहला ही दिन है गणपति जी का, और पहले ही दिन पे इंडिया का सबसे बड़े बड़े गणपति के क्राउड देखिए, बहुत ज़्यादा क्राउड है भाई। मैं एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी क्राउड होगा, पर काफ़ी क्राउड है भाई पहले दिन ही। जाते हैं अभी मेन साइड में। सो गाइस, ये है एंट्री, और अभी अपन आ गए, एंट्री कर ली है खैरताबाद गणपति बापा के यहाँ पे। इस टेंपल के एंट्री में कुछ ऐसा उसका डेकोरेशन किया हुआ है, और शायद मेरी आवाज़ आपको आ नहीं रही होगी। सो गाइस, बहुत मेहनत से अपने को अभी जाने मिला है अंदर में। ये खुल गया है यहाँ की जगह का, और बाकी सब अपनी राह देखते हैं। बहुत मेहनत से भाई अपने को अभी जाने मिला है। अभी ये आगे साइड में है सबसे बड़े गणपति बाप्पा, और अपने को बढ़िया खुला स्पेस मिला है। ये साइड में भी लाइन है, और वो साइड में एग्जिट का है। तो अभी अपन चलते हैं गणपति बाप्पा के पास। अभी आ गए हैं हम गणपति बाप्पा के पास, और या मेरी हाइट देख सकते हो, काफी बड़ी है। यहाँ फटाफट जाने को बोल रहे हैं, बट काफी बड़ी मूर्ति है। मैंने आज तक इतनी बड़ी मूर्ति देखा नहीं, बट बहुत बड़ी, इसलिए इसको बोलते हैं इंडिया की सबसे बड़ी गणेश जी की मूर्ति। और इसके बाजू में, जस्ट बाजू में राम जी और सीता मैया और लक्ष्मण जी की मूर्ति है, काफ़ी बड़ी मूर्ति थी भाई। और इसके विसर्जन के टाइम पे बहुत क्राउड होता है, आज पहला दिन है तो भी बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। सो गाइस, यहाँ पे लड्डू काउंटर है, तो अपन जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि भाई लड्डू बड़े टेस्टी होते हैं। गणेश जी का फेस्टिवल है, और उसमें लड्डू ना खाए तो क्या मतलब आएगा। 10 रुपये में एक लड्डू, 20 रुपये में दो लड्डू। तो गाइस, रास्ते में हमको गांधी जी भी मिल गए हैं। गांधी जी मिल गए थे भाई, ये बढ़िया था। बीच में एकदम खड़े होके मतलब गांधी जी कहाँ से आ गए। अच्छा, और एक छोटा सा मार्केट भी लगा है आजू बाजू कुछ इस तरीके का। तो गाइस, मैंने कर लिया है अभी एग्जिट। कर लिया अभी एग्जिट खैरताबाद के गणपति बाप्पा से, और प्रसाद के लड्डू भी ले लिए भाई वगैरह के लिए, जाके बढ़िया खाता हूँ। अभी तो मैंने लिए बराबर एक खा लिया, मस्त था। और हो गया है एग्जिट, मेरे को लगा नहीं था पहले दिन इतनी सारा मतलब इतना क्राउड आएगा, बट बहुत ज़्यादा ही क्राउड था। तो एग्जिट करने पर और एक गणपति बाप्पा का यहाँ पर सजावट सब करके है, यहाँ पर और एक गणपति बाप्पा विराजमान है, तो इनके भी दर्शन करते हैं, उसके बाद में जाते हैं अपन नेक्स्ट जगह या फिर घर पे। आप हैदराबाद आओगे तो ये चीज़ बहुत कॉमन देखोगे, इस तरीके की जो भी LED लाइट्स में भगवान जी की मूर्ति रहेंगी, और वो टाइप में हर जगह लगे रहेंगे। तो ऐसा ये चीज़ बहुत कॉमन है हैदराबाद में, मैं लास्ट टाइम भी आया था वो टाइम पे नोटिस किया था। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।